छत्तीसगढ़ राज्य में फीस नियामक आयोग कानून को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने महती कदम उठाया और मानसून सत्र में इसे पारित भी कर दिया गया। आने वाले समय में निश्चित तौर पर इस पर बहुत जल्द अमलीजामा पहनाया जाएगा और इसका लाभ सीधा सीधा प्रदेश के लाखों पालकों को, छात्रों को होगा जो निजी स्कूल के मनमाने फीस वृद्धि से परेशान थे, हलाकान थे। और कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र पर भी इस बात की घोषणा की थी कि कांग्रेस की सरकार बनते फीस नियामक कानून को लागू किया जाएगा। इस महत्वपूर्ण सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने इस फीस नियामक आयोग कानून का विरोध किया और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने खुले तौर पर इसका विरोध करते हुए कहा कि निजी स्कूल पर सरकार अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। अगर मध्यम वर्गीय और गरीब लोगों को फीस के वृद्धि से निजात मिलेगा तो इससे भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्या है। अगर किसी मजदूर का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ेगा और उस फीस में छूट मिलेगा, पालकगण और स्कूल के प्रशासक आपस में बैठ के फीस को तय करेंगे, इससे भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात जनता जानना चाह रही है। कांग्रेस पार्टी इस बात को जानना चाह रही है और भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाह रही है कि 15 साल की सरकार पर क्या इन्होंने ऐसे कदम उठाए थे जिससे लोगों को और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवारजनों को एक अच्छी शिक्षा मिल सके। एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी के राज में कमीशनखोरी व्याप्त है और वहीं दूसरी ओर डॉल्फिन स्कूल के संचालक के द्वारा 60 करोड़ से अधिक की राशि का गबन किया गया था। इस बात पर पूर्व सरकार भी चुप है और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल भी चुप है। फीस नियामक कानून का विरोध करना निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का एक जनता के विरोध के स्वरूप सामने आ रहा है और इस बात पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और जनता जानना चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल फीस नियामक कानून के विरोध में क्यों हैं।